युवाओं ने लिया संकल्प, देश को बनाएंगे नशा मुक्त, तो शुरू हुआ सदस्यता अभियान। बता दें कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज रीवा शहर के विभिन्न चौराहों में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। शहीद भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आज रीवा शहर के विभिन्न चौराहों में नशा मुक्ति के लिए युवाओं को फॉर्म में भराकर शपथ दिलाई गई, जिससे वह नशे से दूर रहकर देश के विकास में भागीदार बन सकें। हम आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत पांडे के द्वारा नशे के खिलाफ बीते कई वर्षों से अभियान छेड़ा गया है, जो समय समय पर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं। क्या कार्यक्रम चल रहा है आपका? ये एक्चुअली नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सदस्यता अभियान है। इसका शुभारम्भ 30 जनवरी को ही हुआ था, लेकिन आज से फिर से हमने नशा मुक्त भारत अभियान में सदस्य जो है बनाना शुरू कर दिए हैं। 2 लाख सदस्य बनाने का अपना टारगेट है रीवा ज़िले में, 45 वार्ड और 827 ग्राम पंचायतों में। तो आज से हमने फिर स्टार्ट कर दिया है। हमारे शहर में कोरेक्स है, नशे की गोलियां हैं, गुटखा, शराब, सिगरेट का नशा करके हमारे जो नौजवान हैं अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कि किसी घर का एक बेटा यदि मर जाता है तो अकेला नहीं होता, उसके साथ में पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परिवार नशे के कारण समाप्त हो। इसलिए लोग जो है तो आकर हमारे नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ें और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए चाहे हमको बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे पैर धोना पड़े, चाहे किला चलाना पड़े, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो देश के नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगी नशे के कारण नष्ट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। क्या शुभ नाम आपका? सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा। अभी तक कितने फार्म भरवा चुके हैं? अभी तो मतलब 30 जनवरी से हमने 13,000 भरवाए हैं, लेकिन अभी आज से फिर स्टार्ट कर दिया।